की तांडव करते हुए पूरी बारात में चलेंगे। अघोरी शिव का रूप माने जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेजेस्टिक मानस में। और आज हम आपको लेके आए हैं चंदापुर कोठी मंदिर। जैसे कि आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का दरबार है, और यहाँ शिवरात्रि की जो मनमोहक सजावट हो रही है वो हम आपको दिखाते हैं, और बारात का भी वीडियो आप तक पहुँचाएंगे। तो बने रहिए चैनल पर, और चलिए चलते शुरू करते वीडियो। सजावट का सारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब यहाँ पे कुछ ही घंटे बचे भगवान शिव की शिवरात्रि आने में, और यहाँ पर देखिए फूल भी आए हुए हैं कितने सारे, और इनका भी जानकारियां आपको बताते हैं दोस्तों सर के माध्यम से, क्योंकि सर यहीं पे काम करते हैं। सर बताइए कि क्या इस समय विशेष है शिवरात्रि में? इस शिवरात्रि में विशेष, जैसे बारात में हम बोलें तो 12 अघोरी हैं, जो कि तांडव करते हुए पूरी बारात में चलेंगे। अघोरी शिव का रूप माने जाते हैं, और प्रमुख रूप में शिव के अघोरियों ही सर्वप्रथम आते हैं, तो उनका तांडव पूरी बारात में चलेगा। ये रायबरेली की धरती पर पहली बार होगा कि अघोरी तांडव करते हुए चलेंगे जी। अच्छा, तो ये तो थी बारात की, ये बताइए कि यहाँ भक्त की भीड़ लगेगी, कि जाहिर सी बात है, तो पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करता है हर साल की तरह, इस बार भी पूरा निरीक्षण कल कप्तान साहब, CO सिटी मैम, एडिशनल साहब, सभी लोग, सिटी मजिस्ट्रेट मैम, सब लोग आए थे, सब लोगों ने निरीक्षण करा, और हमारा पूरा संपूर्ण सहयोग हमको उनकी तरफ से मिलता है। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रज्ञा रतन मिश्रा। तो ये थी दोस्तों जानकारियाँ शिवरात्रि की, जो कि यहाँ के सर के द्वारा बताई गई। आप लोग भी आइए कल महाशिवरात्रि, भगवान शंकर के दर्शन करिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। हमने दोस्तों आपको दिखाया कि कैसे हो रही मंदिर में सजावट, कैसी तैयारियां चल रही शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि, क्योंकि शिवरात्रि तो हर महीने आती है, महाशिवरात्रि है। और यहां पर होने वाले कुछ कार्यक्रम आपको बता दें, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि 18 तारीख को यानी कल शनिवार को प्रातः 5 बजे से जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। शाम को यहाँ पर बारात निकलेगी, 2 बजे से बारात का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और 18 को कन्या विवाह समारोह, और 19 को विशाल नगर भोज भी चलेगा। तो ये जो 18-19 का कार्यक्रम है, यहाँ पर आप लोग ज़रूर आइएगा, भगवान शिव का न्योता बारात का ज़रूर आइएगा। इस
इसी के साथ ये वीडियो करते हैं, फिर हम जल्दी मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं हमारे चैनल को, नमस्कार।